नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रभु श्री कृष्ण से राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया। जब भी लोग प्यार की मिसालें देते हैं तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। उनके अमर प्रेम की कहानी का उदाहरण आज भी लोग देते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की राधा के साथ की लीलाएँ हों या उनकी एक दूसरे के प्रति दीवानगी किसी से भी नहीं छिपी है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाए। शायद यही कारण है कि राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले और साथ में लिया जाता है। मगर सभी के मन में एक सवाल उठता है कि क्यों नहीं हुआ राधा और श्री कृष्ण का विवाह। कैंक को तो श्री कृष्ण ने कई शादियां की थी, लेकिन जिससे टूट कर प्रेम किया उनसे ही अलग रहे। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने राधा से वादा किया था कि वे लौट कर आएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात रुक्मणी से हुई जो मन ही मन प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि रुक्मणी जी माता लक्ष्मी का ही अवतार हैं। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, किंतु रुक्मणी जी के भाई रुक्मी अपनी बहन का विवाह उनके मित्र शिशुपाल से कराना चाहते थे, जिससे रुक्मणी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे जब भी मंदिर जाती थी यही प्रार्थना करती थी कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो। रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से कराया जा रहा था तब श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए और उन्होंने शिशुपाल से उनका विवाह रोक कर रुक्मणी जी से शादी की। मित्रों, अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि प्रभु श्री कृष्ण के विवाह के बाद राधा जी का क्या हुआ। ब्रह्मा बैतर पुराण के अनुसार राधा जी का विवाह एक यादव के साथ हुआ था। माना जाता है कि राधा जी का विवाह यशोदा के भाई रयान गोपा के साथ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के रुक्मणी जी से विवाह करने के पीछे कारण यह भी था कि राधा ही रुक्मणी थी। पौराणिक कथा के अनुसार राधा को रुक्मणी का आध्यात्मिक रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस तरह राधा श्री कृष्ण की दीवानी थी, ठीक वैसे ही रुक्मणी भी श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के सपने देखती थी। तर्क के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा जी की उम्र कृष्ण भगवान से अधिक थी। श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह के संदर्भ में अन्य कथाएं प्रचलित हैं, इनमें से कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ तर्क के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था। इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, किंतु यह उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण और राधा का विवाह का वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है, इसलिए विवाह के संदर्भ में यह कथा भी प्रचलित है। प्रभु श्री कृष्ण और राधा के विवाह के संबंध में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। ये दोस्तों, इस प्रचलित कथा के बारे में जानें, क्योंकि यह अत्यधिक प्रचलित कथाओं में गिनी जाती है। तो आइए मित्रों, हम इस अन्य कथा के बारे में भी जानें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं और रुक्मणी माता लक्ष्मी का अवतार हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेने जा रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने उनसे कहा था कि वो जब भी किसी भी अवतार में जन्म लेंगे या फिर कोई सा भी अवतार लेंगे, तब वही भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में जन्म। इस प्रकार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने सीता जी का अवतार लिया, जिनका विवाह श्री राम जी से हुआ था। इस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने रुक्मणी जी का, जिससे माता रुक्मणी जी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। यही सबसे बड़ा कारण है कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह वचन दिया था कि हर युग में वही उनसे विवाह करेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से वचनबद्ध थे। यही सबसे बड़ा कारण सामने आता है कि श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हुआ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर प्राप्त हो, जिससे आप अन्य कथाओं के बारे में जान सकें। धन्यवाद।